फ्रेंड ज्योति मेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को ये दो कलर का बूंदी वाला प्यारा सा डिजाइन बताने वाली हूँ, जिसे आप किसी भी कार्डिगन पर अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज स्वेटर हो या गर्ल का स्वेटर हो, इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इस डिजाइन से आप ब्लाउज भी बना सकते हैं, ब्लाउज भी बहुत ही सुंदर सा लगता है। इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये दो कलर का ये बूंदी वाला एकदम खूबसूरत सा डिजाइन आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत और प्यारा सा डिजाइन बनाना। यहाँ देखिए, मैं यहाँ 1, 2, 3 और ये 4 डिजाइन यहाँ मैं बना चुकी हूँ और इसी पर मैं यहाँ आप सभी को डिजाइन बनाकर दिखा रही हूँ। जब आप इस डिजाइन को जिस प्रोजेक्ट पे डालें तो सबसे पहले क्या करना है, बॉर्डर बना लीजिए और बॉर्डर के बाद ये डिजाइन बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे बॉर्डर में भी डाल सकते हैं। ये बॉर्डर में भी बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सा डिजाइन बनाना। तो इसी पर मैं यहाँ बनाकर आप सभी को दिखा रही हूँ। तो जैसे कि आप समझ लीजिए, बॉर्डर के बाद मैं बना रही हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताती हूँ। जब भी आप ये डिजाइन बनाना स्टार्टिंग करें तो बॉर्डर के बाद आप दूसरा कलर इसमें लगा लीजिए। समझिए कि आप यहाँ से बॉर्डर है तो बॉर्डर के बाद ये मैं कलर दूसरा लगा के आप सभी को दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदे को सीधा बना लेना है। मैं फर्स्ट फंदे को सीधा यहाँ बना लेती हूँ, फिर एक फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है, फिर एक फंदे को सीधा बनाना है, फिर एक फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है, एक फंदे को सीधा बनाना है। ये डिजाइनिंग का जो है फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो इसी तरीके से कंप्लीट करना है। एक फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है और एक फंदे को इस दूसरे कलर के धागे से सीधा बनाना है। तो फर्स्ट रो सीधी साइड से इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से मैं पूरी रो यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ सीधी साइड से फर्स्ट रो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं सेकेंड रो उल्टी साइड से आ चुकी हूँ। सेकेंड रो से देखिए कुछ इस तरीके से ये डिजाइन दिखने में लग रहा है, गिजर बिजर की तरह, और सीधी साइड कितना ही प्यारा सा ये डिजाइन लग रहा है। मैं सेकेंड रो उल्टी साइड से आ चुकी हूँ, तो इस कलर के फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है, धागा को पीछे करके इसे सीधा बना लेना है, फिर धागा को आगे करना है, इस कलर के धागे को ऐसे ही निकाल लेना है, फिर धागा पीछे और इस कलर को सीधा बना लेना है, फिर धागा आगे, फिर इस फंदे को जो मैं सीधी साइड से सीधा बनाई थी उसे उल्टी साइड से भी सीधा ही बनाना है। बस धागा को आगे पीछे इस तरीके से करते जाना है, धागा को पीछे करना है, एक फंदा सीधा बनाना है, फिर धागा आगे, इस फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है, फिर धागा को पीछे करना है और इस फंदा को सीधा, फिर धागा आगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। बस इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर लेना है। ये मैं पूरी रो सेकेंड रो उल्टी साइड से मैं पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं सेकेंड सिलाई कंप्लीट कर चुकी हूँ और थर्ड सिलाई सीधी साइड से आ चुकी हूँ। एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से मैं 2 यहाँ बना चुकी हूँ और तीसरी सिलाई में आ चुकी हूँ। तो अब क्या करना है, इस साइड वाले फंदे को पहले बनाई थी इसे ऐसे ही निकाल लेना है और ये धागा को इस तरीके से पीछे कर लेना है और इसे सीधा बना लेना है, फिर इस बुने हुए फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है और इस कलर के धागे वाले फंदे को सीधा बना लेना है। बस इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर लेना है। ये ओनली 4 का डिजाइनिंग है, चारों रो में इसे सीधा ही बनाना है, इसी तरीके से कंप्लीट करते जाना है। ये तीसरी सिलाई में हूँ, तीसरी सिलाई में इस तरीके से पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। इस कलर ये दूसरे कलर का धागा है, इसे सीधा बनाना है, फिर इस फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है और इसे सीधा बनाना है, फिर इसे सीधा ही बनाना है। बस इसी तरीके से पूरी रो यहाँ मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और चौथी सिलाई में फिर मैं पुनः यहाँ आ चुकी हूँ। ये देखिए, ये सिलाई पर जो पूरे फंदे एक ही कलर का हो चुका है। उल्टी साइड से चौथी सिलाई और लास्ट सिलाई इस डिजाइन की आ चुकी हूँ। अब इसे सीधा बना लेना है, फिर धागा आगे, फिर इस फंदे को निकाल लेना है, धागा को पीछे करना है, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, धागा फिर पीछे करना है। बस इसी तरीके से पूरी रो
कंप्लीट कर लेना है। ये तीसरी रो में, तीसरी रो में जो मैं यहाँ सीधा बनाई थी एक फंदे को छोड़ के, एक फंदे को जो सीधा बनाई थी उसी फंदे को चौथी रो में जो है इसे सीधा बना के कंप्लीट करना है। उतारे हुए फंदे को उतार लेना है और बुने हुए फंदे को बुन लेना है। बस इसी तरीके से बार बार कंप्लीट कर लेना है। ये ओनली चार सिलाइयों का डिजाइन है और चार सिलाई में ये डिजाइन बन के कम्प्लीट हो जाता है। दोस्तों यदि आप सभी को ये डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि कोई नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक डिजाइन यहाँ बना के कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये ओनली चार सिलाइयों का डिजाइन है और चार सिलाई मैं यहाँ बना के कंप्लीट कर चुकी हूँ। देख कितना सुंदर और कितना ही प्यारा सा ये डिजाइन लगता है। ये डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन लगता है और इसी चार रो को बार बार रिपीट करते जाना है। अब क्या करना है, इस कलर का धागा तो हो चुका है, अब ये ऑरेंज कलर के धागा को इस पर अप्लाई करना है। तो एक बार मैं पुनः फिर आप सबको दिखा देती हूँ कैसे अप्लाई इसे करना है। फर्स्ट फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है और इस कलर के धागे को ऐसे पकड़ लेना है। एक फंदा सीधा फंदे को ऐसे निकालना है, फिर एक फंदे को इस तरीके से सीधा बना लेना है, फिर एक फंदे को ऐसे निकालना है, दूसरे फंदे को सीधा बनाना। बस इसी तरीके से फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेना है। ये चार सिलाइयों का डिजाइन है और जिस तरीके से मैं यहाँ चारों सिलाइयाँ आप सभी को बताई हूँ, बस उसी तरीके से चारों सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। ये बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बन के कम्प्लीट हो जाता है। तो ये ओनली एक सिलाई है और ये उल्टी साइड से जो फंदे को मैं अभी सीधा बना रही हूँ, उल्टी साइड से भी उस फंदे को सीधा ही बनाना है। बस इसी तरीके से पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इतना सुंदर सा ये डिजाइन बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों यदि आप सभी को ये डिजाइन पसंद आया हो और मेरे ये बताने का तरीका आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि कोई नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।